जनपद मैनपुरी में चल रहा नारायण शाकार हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ठाकुर एपी सिंह ने सुनाई आपवीती। जब आप 5-4 लोगों से कहेंगे तो उनमें से 2-3 भी आत्माएं अगर आएंगी, खिंची चली आएंगी और फिर यहाँ आके देखेंगे कि यहाँ तो कोई नशा छोड़ने का लिखा ही नहीं है। एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप तो बहुत जाते हैं नारायण साकार हरि के यहाँ, वहां क्या मिलता है? मैंने कहा मुझे क्या मिलता है वो तो आप देखते ही हैं। मैंने कहा गूगल खोलो, गूगल का जमाना है, एपी सिंह एडवोकेट टाइप करो, नेट पे टाइप करो एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेज है, उन पे आप देखेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा सब कुछ कि एपी सिंह को नारायण साकार हरि के यहाँ जाने से क्या मिला, क्या घाटा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अपने आप पता चल जाएगा, सब उस पे दिख रहा है। क्योंकि नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्म वाणी को श्रवण करने के बाद जीवन में कभी घाटा तो हो ही नहीं सकता, तो उस पे पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कभी किसी सत्य के अनुरागी, सत्य के साथ में जाने वाले से पूछना, उससे पूछना, वो बताएगा कि जिन महिलाओं के घरों में उनके पति शराब पी के मारते थे, पीटते थे, उनके गहने, उनके मकान, उनके धन धान्य की चीजें बेचकर शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, अयाशी करते थे, उस महिला से पूछना कि नारायण साकार हरि के यहाँ जाने के बाद क्या मिला, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, आज जो पति घर को संभालता है, सजाता है, बचाता है, जब वो पी के आता था तब वो पीटती थी और खाना बनाती थी, उस महिला से पूछना कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ के बाद क्या मिला, उस व्यक्ति से पूछना जो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका था, गंवा चुका था, कुछ नहीं उसके जीवन में बचा था। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं 25-25, 30-30 वर्ष हो गए जिनके घर में चिराग नहीं था, उजाला नहीं था, अंधकार में जी रहे थे, सोच रहे थे क्या होगा जीवन में, आज उनके घर में किलकारियां लेते हुए बच्चे खेल रहे हैं, उनसे पूछना नारायण साकार हरि से क्या मिला, उनसे पूछना जो अपनी भटक रहे थे नौकरी पेशे के लिए, बेरोजगारी देश की समस्या है लेकिन फिर भी उन्हें इस दौर में भी उन्हें अच्छी नौकरियां मिली, अच्छे काम मिले, अच्छे रोजगार मिले, अच्छी उनकी मेहनत का फल मिला, उनसे पूछना नारायण साकार हरि क्या था। समझ चुका था हमारी बात कि नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक सत्य के साथ में जिस तरह से आपको जीवन में मिला है, फिर वही कहता जैसे आपको मिला है, अगर आप अपने साथ 31 दिसंबर तक और भी जो आपके साथी हैं जो आपसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आप तो हैं कंजूस, आप बताने में पता क्या सोचते हो, इस मामले में जानता हूं यूपी के लोगों को, वो सोचते हैं सब मुझे मिल जाए, मेरी जेबें भर जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को धन दौलत संपन्नता मिल जाए, पड़ोसी को ना मिले, दोस्त को ना मिले, इसको ना मिले। अरे दिल खोल के देख, आप तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सेवादार हैं, आप तो सत्य के सेवादार हैं, मानव धर्म से कोई बड़ा है नहीं, मानवता भाईचारा से कोई बड़ा है नहीं धर्म, तो जब आप उनको भी अपने साथ लेके आएंगे, उनके साथ आएंगे कि चलो चलते हैं, आओ चलो चलते हैं, गांव के, नौकरी के, शहर के, का 2-3 घंटे का काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई चढ़ा कुछ पूछेगा कितने पैसे लेके चलूं, संसार में पूछेगा क्या मिठाई ले चलूं, आपके प्रभु जी क्या खाते हैं, क्या चढ़वाते हैं, गोला ले लूं, चुनरी ले लूं, नारियल ले लूं, पेड़ा ले लूं, क्या उससे कहना कुछ नहीं, सारे पैसे अपनी जेब में रखो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।